नवंबर को प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सभी दल जीत की कोशिश में लगे हैं। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होगा उनमें से एक है 84 विधानसभा सीट, जिस पर पिछले 2 विधानसभा चुनाव से भारत आदिवासी पार्टी का कब्जा रहा है। ऐसे में बीएपी को यकीन है कि उपचुनाव में उसकी ही जीत होगी, जबकि कांग्रेस और बीजेपी अपनी जीत मानकर चल रहे हैं। जीत की हैट्रिक लगाएगी बीएपी, कांग्रेस बीजेपी भेद पाएंगे बीएपी का किला, कौन बनेगा 84 का शहंशाह। जब तक उपचुनाव के नतीजे नहीं आ जाते हैं तब तक तमाम दल 84 सीट पर जीत का दावा करते रहेंगे, लेकिन साल 2023 के विधानसभा चुनाव में 3 सीट जीतने वाली भारत आदिवासी पार्टी इस सीट पर काफी मजबूत रही है। राजकुमार रोध के सांसद बनने के बाद खाली हुई इस सीट पर जहां बीएपी फिर से जीत की तैयारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी राजकुमार रोध के किले को भेदने की कोशिश में लगी हैं। हालांकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में 84 सीट पर बीएसपी का कब्जा रहा है। बात बीएपी की करें तो इस सीट पर हैट्रिक के लिए उसने खास रणनीति बनाई है। ये साफ है कि 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आदिवासी इलाके में भारत आदिवासी पार्टी का जनाधार तेजी से बढ़ा है। खासकर आदिवासी वर्ग का युवा बड़े पैमाने पर बीएपी से जुड़ा है। उपचुनाव में बीएपी सिलेक्शन प्रणाली के जरिए प्रत्याशी का चयन कर रही है, जिसके लिए 3 दावेदारों का एक पैनल बनाया गया है, जिसमें झोथरी ब्लॉक से पोपट खोखरिया, चिखली से अनिल और सीमलवाड़ा ब्लॉक से दिनेश का नाम शामिल है। इन तीनों में से बीएपी एक दावेदार को अपना प्रत्याशी बनाएगी। प्रत्याशी की घोषणा जब तक हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी और हमारी कोर कमेटी तय करेगी, और अभी तक की जो सिचुएशन है, हालांकि हमारी कोर कमेटी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करेगी, लेकिन संभवत है कि वो हम लोग स्वतंत्र ही चुनाव लड़ेंगे। आदिवासियों के मुद्दे पर राजनीति करने वाली बीएपी ने उपचुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीएपी का कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा था। विधानसभा में जिन 3 सीटों पर बीएपी ने जीत दर्ज की उनमें डूंगरपुर जिले की आसपुर और 84 सीट थी, जबकि प्रतापगढ़ जिले की धरियावत सीट भी शामिल थी। राजकुमार रोध के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 84 विधानसभा सीट खाली हुई थी, जिस पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा। 84 में विधानसभा चुनाव की 64 बीत चुकी है। तीनों ही दल विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं और बहुत ही जल्द अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी करने वाले हैं। बात सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की करे तो उसने भी जीत के लिए रणनीति बनाई है। 84 सीट पर खोए जनाधार को वापस पाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने सदस्यता अभियान के तहत 84 सीट पर अब तक सिर्फ 6,000 कार्यकर्ता जोड़ पाए हैं। ऐसे में राह उतनी आसान नहीं है। हालांकि बीजेपी पूरी ताकत लगाने के मूड में है, जिसके लिए मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के दिग्गज नेता विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ जीत पर मंथन कर चुके हैं। संगठन भी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है, हर बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं में जोश है, और अभी हरियाणा में लगातार 3री बार जीत भी मिली है, और आमजन भी समझ चुका है कि पिछले 2 बार में जो 84 क्षेत्र में कमल का फूल नहीं खिला तो 84 का विकास है वो ठप के बराबर हो चुका है। इसलिए जनता ने मानस बनाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को इस बार 84 से जिता के भेजे और 84 का जो रुका हुआ विकास है वो आगे बढ़ पाए। 84 विधानसभा सीट पर कांग्रेस को भी कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई थी। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने बीएपी को समर्थन दे दिया था, जिसके चलते 84 में कांग्रेस का वोट बैंक और टूट गया है। हालांकि उपचुनाव में गठबंधन का फैसला आलाकमान पर छोड़ा गया है। हालांकि जानकारों की माने तो स्थानीय नेता गठबंधन के पक्ष में नहीं है। अब जनता ने ठान ली है कि कांग्रेस के सिवाय हमारा कोई विकल्प नहीं है, तो जनता का मानस, युवक जो भटक गए थे उनका मानस भी कांग्रेस के प्रति है। इसलिए हम पूर्णतया जिसको भी हाईकमान टिकट दे, हम पूर्णतया चुनाव के लिए तैयार हैं। जो भी स्थिति होगी वो जनता के बीच में जाएंगे और जनता माई बाप है, वो अपना निर्णय करेगी।
उपचुनाव की घोषणा के बाद डूंगरपुर जिले में तीनों ही दल सक्रिय हो गए हैं। उपचुनाव में जीत की रणनीति बनाई जा रही है। पिछले चुनावों को देखें तो पलड़ा फिलहाल बीएपी का ही भारी लग रहा है। फिलहाल तीनों दल अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता जीत का ताज किसे पहनाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जयेश पवार, न्यूज 18 राजस्थान, डूंगरपुर। राजस्थान के झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की तारीख का ऐलान होते ही राजनीतिक पार्टी ने चुनावी चौसर बिछाना शुरू कर दिया है। झुंझुनू में पिछले चार दशक के उपचुनाव का अगर ट्रेंड देखा जाए तो जिले में आम चुनाव में जिस पार्टी का विधायक जीता, उपचुनाव में उस पार्टी की हार हुई है। क्या फिर दोहराया जाएगा उपचुनाव का इतिहास? आम चुनाव से अलग होगा उपचुनाव का नतीजा? ये सवाल इसलिए क्योंकि झुंझुनू में अब तक जितनी बार उपचुनाव हुए वो आम चुनाव से अलग ही रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर झुंझुनू में उपचुनाव होने जा रहे हैं। झुंझुनू में अब तक 5 उपचुनाव हुए हैं, 2 विधायकों के निधन के चलते तो 3 उपचुनाव मौजूदा विधायकों के सांसद बनने के कारण। इस बार चौथी बार ऐसा मौका है जब विधायक के सांसद बनने पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में अब ये सवाल सबके जहन में उठ रहा है कि बृजेंद्र ओला के सांसद बनने के बाद क्या उपचुनाव में कांग्रेस जीत दर्ज कर पाएगी, या फिर पुराने इतिहास की तरह ये सीट किसी दूसरी पार्टी की झोली में चली जाएगी। राजस्थान के झुंझुनू जिले में अब तक 5 बार विधानसभा सीटों के उपचुनाव हो चुके हैं। इस बार झुंझुनू सीट से विधायक बृजेंद्र सिंह ओला के सांसद बनने के बाद सीट खाली हो गई है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि झुंझुनू में उपचुनाव का इतिहास कैसा रहा है। यहाँ 3 बार सांसद बनने पर उपचुनाव हुए, जबकि 2 बार विधायकों के निधन के बाद उपचुनाव हुए। इन सभी उपचुनावों में विधानसभा चुनाव के समय जिस पार्टी का विधायक जीता उस पार्टी की हार हुई। जिले में पिछले 28 साल के दौरान 3 विधायकों के सांसद बनने पर उपचुनाव हुए हैं, जबकि ये चौथा वाक्य होगा जब उपचुनाव हो रहा है। इससे पहले झुंझुनू, सूरजगढ़, मंडावा में उपचुनाव हुए थे। शीशराम ओला के सांसद बनने पर झुंझुनू में, संतोष अहलावत के सांसद बनने पर सूरजगढ़ में, नरेंद्र कुमार खीचड़ के सांसद चुने जाने पर मंडावा में, वहीं अब बृजेंद्र ओला के सांसद बनने पर झुंझुनू सीट पर उपचुनाव होगा। इससे पहले 1988 में खेतड़ी विधायक मालाराम के निधन होने पर 1982 में मंडावा विधायक लच्छूराम के निधन पर उपचुनाव हुए थे। आइए अब आपको 5 बार हुए उपचुनाव में कैसे विधानसभा से उपचुनाव का नतीजा अलग रहा है ये भी दिखाते हैं। झुंझुनू कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है। इस सीट पर अब तक हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 2 ही बार जीती है। साल 1996 में झुंझुनू विधानसभा सीट पर कांग्रेस के शीशराम ओला के सांसद बन जाने के कारण उपचुनाव हुए। इस उपचुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को मात दी। बीजेपी के डॉक्टर मूल सिंह चुनाव जीते। 2013 में सूरजगढ़ विधानसभा से बीजेपी की संतोष अहलावत विधायक चुनी गई। 2014 में लोकसभा चुनाव में संतोष अहलावत के सांसद चुने जाने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुए। यहां पर कांग्रेस के श्रवण कुमार ने बीजेपी के दिगंबर सिंह को हराया। 2018 में मंडावा विधानसभा सीट से बीजेपी के नरेंद्र कुमार विधायक चुने गए। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में नरेंद्र कुमार सांसद चुने गए। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुए। उपचुनाव में कांग्रेस की रीटा चौधरी ने बीजेपी की सुशीला सिंघाड़ा को हराया। खेतड़ी में 1985 में भाजपा के मालाराम विधायक चुने गए। उनके निधन के बाद 1988 में उपचुनाव में यहां से कांग्रेस के डॉक्टर जितेंद्र सिंह विधायक चुने गए। मंडावा विधानसभा सीट पर विधानसभा चुनाव में जनता दल के लच्छूराम विधायक बने। उनके निधन के बाद 1982 में उपचुनाव हुए। यहां से कांग्रेस के राम नारायण चौधरी चुनाव जीते। 2014 के बाद चौथा मौका है जब झुंझुनू जिले में विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। हालांकि अभी किसी भी पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि पिछले 28 सालों का इतिहास दोहराया जाएगा या फिर इतिहास बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। विधानसभा उपचुनाव के लिए आचार संहिता लग चुकी है।
अब सबकी निगाहें टिकट पर हैं और टिकट चाहने वाले नेता जयपुर से दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं। दौसा विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज हमारे संवाददाता ने सांसद मुरारीलाल मीणा से बात की तो मुरारीलाल मीणा ने कहा कि जो मजबूत कैंडिडेट हैं उनका पैनल बनाया जाएगा और आलाकमान ही तय करेगा कि कौन प्रत्याशी होगा। एक बार फिर राजस्थान में चुनाव आ गए हैं, इस बार विधानसभा उपचुनाव हैं और दौसा सहित राजस्थान की 7 सीटों पर चुनाव हैं और आचार संहिता लगने के बाद अब नज़र टिकटों पर है कि आखिर राजनीतिक दल किसको अपना प्रत्याशी बनाते हैं। दौसा में कांग्रेस का जो टिकट है वो सांसद मुरारीलाल मीणा के इर्द गिर्द घूमता है, ऐसा पब्लिक कहती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कहते हैं कि हमारा आलाकमान तो सांसद मुरारीलाल मीणा है। हम सीधे सांसद मुरारीलाल मीणा से बात करते हैं। सर, आचार संहिता लगी, टिकट का क्या चल रहा है, किस प्रकार का तो चयन किया जाएगा और क्या? देखो, सबसे पहले तो जिस तरह से 10 महीने के अंदर बीजेपी कार्य प्रणाली रही है, कांग्रेस बहुत अच्छे माहौल में, हमारे सब कार्यकर्ताओं में जोश है और हमने सब पूरी तैयारी हमने कर रखी है। मंडल स्तर पर हमारी मीटिंगें भी हो गई हैं। तो पहला तो ये कि हम चुनाव जीतेंगे। दूसरा, जहाँ तक टिकट का सवाल है, हम सर्वसम्मति से तय करेंगे कि कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। 19 तारीख को हमारी यहाँ ऑब्जर्वर आ रही है और कुछ प्रदेश के कार्यकर्ता भी आ रहे हैं, वो सबका फीडबैक लेंगे, हम भी हमारा फीडबैक देंगे और सबकी सलाह से प्रत्याशी को पैनल तैयार किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि जो हम पैनल तैयार करके यहाँ से भेजेंगे 3 से 5 आदमियों का, हाईकमान उसी में से कोई कैंडिडेट तय करेगा और जिसको हाईकमान तय करेगा उसको हम मिलकर चुनाव जिताएंगे। पर जैसे कार्यकर्ता कहते हैं या फिर आम पब्लिक में एक बात है कि दौसा की सीट केवल 7 में से 2 सीट एक ऐसी है जहाँ पर हाईकमान आप ही हो, आप ही तय करोगे, ऐसा जो मैंने बोला ना, हमारे चाहे मैं हो चाहे कोई और हो, हम जो भी मैं फैसला करते हैं सभी कार्यकर्ताओं की सहमति से करेंगे और मैं समझता हूँ जब सबकी सहमति से फैसला होता है तभी सफलता मिलती है। मैंने भी यही बोला है। अच्छी बात है ये लोग ऐसा कह रहे हैं, मेरे लिए मेरे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भाई उनके हिसाब से टिकट मिलेगा तो मैं। और फिलहाल ब्रेक का वक्त हुआ है, बन रही है न्यूज 18 राजस्थान के साथ, तुरंत लौट कर आते हैं।